साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी के बारे में आज जो आप ये वीडियो देखेंगे, यकीन मानिएगा अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं या स्वयं जाकर नर्मदा नदी जो देखी है, उससे भी बेहतरीन होने वाला है। इसमें एक एक जगह को हम आपको दिखाएंगे, शहरों को दिखाएंगे, वाटरफॉल्स दिखाएंगे, जहां से नर्मदा नदी ओरिजिनेट होती है, निकलती है वो जगह दिखाएंगे, जहां जाके मिलती है वो जगह दिखाएंगे, और एक प्रकार से लाइव व्यू होने वाला है सब कुछ आपके लिए, बहुत नया एक्सपीरियंस। अंत तक जुड़े रहें हमारे साथ, इस वीडियो को देखते रहें। तो यहां पर स्क्रीन हो गई है शुरू, इसमें कुछ चीज़ों में आपको बता देना चाहता हूं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो रात का मौसम है, रात का समय है, एक्चुअल में मौसम नहीं होता, रात का समय है, और रात के समय में पीछे आप देख रहे हैं मिल्की वे, और इस तरफ दिखाई दे रहा होगी सूरज की किरणें। ये सूरज की किरणें कहाँ से आ रही हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये चमक रहा है हमारा उधर सूरज, ये है आकाशगंगा, आकाशगंगा में चमक रहा हमारा सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं, पहुँचते हैं नर्मदा नदी, और यकीन मानिएगा नर्मदा नदी का बहुत गजब तरीके से आज का वीडियो होने वाला है। चलिए देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप सभी को पता है नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, और अनूपपुर जिले में भी कौन सी जगह, अमरकंटक। यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के पास में ये है अमरकंटक शहर या जिला जो भी कहा जाए, और यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। पहले मैं आपको जूम करके पूरा ये पूरा के पूरा नर्मदा नदी का पूरा व्यू दिखा देता हूँ, किस प्रकार से नर्मदा नदी दिखाई देती है, ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पर पूरा के पूरा नर्मदा नदी के बारे में। चलिए देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है मध्य प्रदेश, ये पूरा हिस्सा जो है मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर, ये आप देख पा रहे होंगे। ये एक लाइन जो आपको दिख रही है पतली सी लाइन, ये जो है ये है नर्मदा नदी, यहाँ से निकलती हुई और ये बहती हुई, और यहाँ पर जाकर ये खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात यहाँ पर लिखा हुआ है, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, यहाँ जाकर ये नदी जो है मिल जाती है नर्मदा नदी। चलिए अब आप देखिएगा इस तरफ आप आ जाएं जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, सबसे पहले उस जगह की हम बात कर लेते हैं, ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है उसकी चर्चा करेंगे सबसे पहले, ताकि आप एक एक चीज अच्छे से समझ सकें। देखिए यहाँ अमरकंटक हम पहुँच गए हैं, अमरकंटक में जूम करके आप पहुँचेंगे, जूम करके जाएंगे तो आपको दिखाई देगा तीन यहाँ पर छोटे छोटे सरोवर हैं। पहला सरोवर सरस्वती सरोवर, उसके बाद दूसरा जाएंगे आप पुष्कर सरोवर, और तीसरा है कबीर सरोवर। तो ये तीन सरोवर हैं जो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। पहला सरोवर जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वो ये जगह है सरस्वती सरोवर। सरस्वती सरोवर पास में देखेंगे माई की बगिया लिखा हुआ है, अमरकंटक में है, आपने किताबों में से पढ़ा होगा। चलिए सरस्वती सरोवर का एक व्यू देख लेते हैं किस प्रकार से सरस्वती सरोवर दिखाई देता है। तो ये सरस्वती सरोवर है पूरा के पूरा जहाँ से नर्मदा नदी, और ये जो ओरिजिन है नर्मदा नदी का, यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ से नर्मदा नदी निकलने के बाद आगे की तरफ बढ़ती है तो पुष्कर सरोवर में जाती है, और पुष्कर सरोवर से जब आगे की तरफ बढ़ती है तो पहुँचती है कबीर सरोवर में। ये कबीर सरोवर है, और कबीर सरोवर से जब आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो सबसे पहले नर्मदा नदी बनाती है एक जलप्रपात, आपने सबने नाम सुना होगा कपिलधारा जलप्रपात। तो अभी तक नहीं आपने नाम सुना था, मैं आपको दिखाता हूँ ये जलप्रपात कैसा दिखाई देता है। चलिए इसकी फोटोज में हमारे पास में है, आपके लिए अवेलेबल है, तो हम आपको दिखाते हैं। ये है वो जगह जहाँ बनाती है नर्मदा नदी कपिलधारा जलप्रपात, और क्लियर चीजों को देखने के लिए ये लाइव है बिल्कुल आपके सामने, ये रहा है जलप्रपात। ऊपर से जलप्रपात को देखेंगे तो इस प्रकार से जलप्रपात दिखाई देता है जिसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात। आई होप कि कपिलधारा जलप्रपात आपको समझ में आ गया। उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जब बनाती है दूधधारा जलप्रपात, दूधधारा जलप्रपात की देखेंगे तो दूधधारा जलप्रपात कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है आपके सामने, ये रहा। देखिए ये है दूधधारा जलप्रपात, ये छोटा सा जलप्रपात है हालांकि, लेकिन बहुत सुंदर यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ का माहौल काफ़ी सुंदर होता है। अभी कभी आप जाएं तो इसे ज़रूर देखें, ये चारों तरफ 36 डिग्री का व्यू है, तो बहुत अच्छी सुविधा है आज के लिए। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं जहाँ पर हम नर्मदा नदी के आगे पहलुओं को देखेंगे। अब नर्मदा नदी आगे बढ़ती, थोड़ा सा जूम आउट कर लें ताकि हमें समझ में आता रहे किस क्षेत्र में हम चल रहे हैं। तो पास में आप देखेंगे अमरकंटक से नदी शुरू हो चुकी है, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नदी आगे बढ़ती है, और नदी आगे बढ़कर जहां पर पहुंचती है वो भी हम देखते चलेंगे कि कहां कहां से नदी होकर गुजर रही है।
देखिए नदी पहुंचती है डिंडोरी। यहाँ पर क्या है, ये शहर का नाम है डिंडोरी। तो कौन कौन सी जगह इस नदी के किनारे बसी हुई है उनके बारे में भी हम चर्चा करते चलेंगे। तो नदी के पास बसा हुआ है डिंडोरी, और डिंडोरी से अब आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो पास में आपको बहुत सारे और जो जगह देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर इसमें एक नदी आकर मिलती है जो है सिगली नदी। तो ये भी देखते चलेंगे कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पर आकर आपको इसमें मिल रही हैं, इसकी सहायक नदियाँ जो कि बहुत सारी सहायक नदी। अब यहाँ पर ही देखिएगा, ये एक बड़ी देखने लायक जगह है कि नर्मदा नदी यहाँ से तो इस तरफ से आ रही थी। देखिएगा यहाँ नर्मदा नदी जो है ये एक बहुत गहरा कर्व लेती है डिंडोरी से। आप देखेंगे नर्मदा नदी डिंडोरी से ऐसे जाते हुए, और यहाँ ये जो जगह है ये बरगी बांध, ये बरगी डैम है, ठीक है। तो यहाँ ये जाते हुए नर्मदा नदी ये नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, और नीचे की तरफ आने के बाद ऊपर फिर वापस पहुंचती है। तो ये आप देखिएगा ये कर्व बनाती है, और यहाँ पर वो जाती है मंडला के पास से, नर्मदा के पास। मंडला भी नर्मदा नदी के पास में ही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और इसको साथ में देखते चलेंगे। तो ये जो बांध आप देख रहे हैं ये बरगी डैम है जो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। कैसा डैम दिखाई देता है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। काफ़ी सुंदर सा डैम है बरगी डैम, और डैम जो एक्चुअल में बना हुआ है वो यहाँ पर बना हुआ है। बरगी जो नदी का पुल बना हुआ है, ये बरगी बांध का पुल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। इसको इसके फोटोज़ हमारे पास हैं, कुछ फोटोज़ भी हम इसके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शानदार फोटो, शानदार फ्रंट इसका आपको दिखाई देगा। ये देखिएगा ये बांध है पूरा के पूरा, ये बरगी डैम है, और ये तस्वीरें हैं बरगी डैम की। तो यहाँ से इस टाइप से ये बरगी डैम आपको दिखाई देता है, बरगी बांध। चलिए ये है बरगी बांध पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और बरगी बांध या बरगी नदी से आगे नदी पहुंचती है सबसे फेमस स्पॉट जो कि हम सब जिसे जानते हैं, जबलपुर के पास में, ठीक है। जबलपुर ये देखेंगे यहाँ पर है, ये जबलपुर है, और जबलपुर के पास आप सभी को पता है बहुत फेमस स्थान है जिसका नाम है भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट हम पहुंच गए हैं, और भेड़ाघाट पहुंचकर यहाँ बनाती है नर्मदा नदी एक जलप्रपात, और उस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात से पहले, ध्यान दीजिएगा, धुआंधार जलप्रपात से पहले एक छोटा सा जलप्रपात है जिसे घूघरा जलप्रपात कहा जाता है, हालांकि बहुत छोटा है। ये आप फोटो देखेंगे, ये घूघरा जलप्रपात का है। धुआंधार जलप्रपात से थोड़ा सा पहले ये बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है घूघरा जलप्रपात। घूघरा जलप्रपात के आगे ये है भेड़ाघाट जलप्रपात। भेड़ाघाट जलप्रपात या भेड़ाघाट बांध, भेड़ाघाट बांध का मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वो जगह है जहाँ से बैठ के ये वीडियो पूरा के पूरा बनाया गया था, यहाँ आप देख पाएंगे। अगर आप कभी नहीं गए हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छा है। और ये धुआंधार इसलिए कहा जाता है, आपको अगर दिख रहे हैं ये वाटर जो है, जब पानी नीचे गिरता है तो पानी की बूंदें कुछ ऊपर की तरफ आ जाती हैं, और उसके कारण क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे धुआं आसपास हो रहा था, इसी के कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यू है, आप देख सकते हैं इसको, धुआंधार जलप्रपात, और उधर से नर्मदा नदी आ रही है। चलिए आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ और फोटोज देख लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें इसमें समझ में आ जाए। ये देखिएगा ये भी वहीं का है, और ये मार्बल नगरी इसलिए कहा जाता है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये पूरा के पूरा मार्बल है, संगमरमर है, और संगमरमर से इस तरह की कलात्मक वस्तु है जिसे इस फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है संगमरमर से बनाई गई है। यहाँ पर भी देख रहे होंगे ये संगमरमर की चट्टान है, सभी की सभी ये जो चट्टान है सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, आगे कौन कौन सी जगह है वो भी हम देखेंगे इसमें। एक इसके अंदर बंदर कूदनी नामक जगह है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, बंदर कूदनी। बंदरकों को देख लेते हैं, ये बंदर कूदनी इसलिए, बंदर कूदनी इसलिए कहा जाता है एक्चुअल में क्योंकि यहाँ पर आकर जो है दो नदी का जो ऊपरी हिस्सा है, दोनों जो चट्टाने हैं वो चट्टाने ऊपर में एक दूसरे से ऐसा लगता है मिल रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसलिए इसे जो है बंदर कूदनी कहा जाता है। इस फोटो में इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये फोटो में आप देखेंगे तो ये जो है बंदर कूदनी जैसा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ बहुत बीच में दूरी काफ़ी कम रह जाती है, इसीलिए इसे बंदर कूदनी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, उससे पहले मैं दूसरा व्यू आपको दिखा देता हूँ नर्मदा नदी का ही। ये है नर्मदा नदी का व्यू, काफ़ी बड़े यहाँ पर टेंपल्स भी हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। 64 योगिनी मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ 64 योगिनी मंदिर है। इसके फोटोज देख लेते हैं, 64 योगिनी मंदिर का फोटो है। इसके अलावा
और चीज़ें क्या है जो देखने लायक है हमारे, और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। ये वो घाट है सरस्वती घाट, जहाँ पर नर्मदे की, नर्मदा माता की जो है आरती होती है। आगे की तरफ आप बढ़ेंगे नर्मदा नदी में, और तो कौन सी जगह आएगी उसको बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप सनीर नदी, सनीर नदी का नाम है जो नर्मदा नदी में आकर यहाँ से मिलती है, सनीर नदी। और एक नदी ये है जहाँ पर नर्मदा नदी में आकर मिलती है, और इसका नदी है, नाम है हिरन नदी, याद रखिएगा इसका नाम हिरन नदी है इसका नाम। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं काफ़ी इसके आसपास, क्योंकि नर्मदा नदी जो है बीच से होकर मध्य प्रदेश से जाती है, काफ़ी सारे आश्रम आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये इंजॉय कर रहे होंगे आप नर्मदा नदी को, काफ़ी बड़ा थोड़ा सा वीडियो होगा लेकिन आपको यकीन मानिए काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं वरना जलाशय, वरना नदी पर बना हुआ है, वरना बांध है, और उसके बारे में भी हम आपके एक वीडियो बनाएंगे। रातापानी पहुँच गए हैं, यानी कि हम पहुँच गए हैं होशंगाबाद, रातापानी अभयारण्य है एक। चलिए अब पहुँच गए हम होशंगाबाद, होशंगाबाद में भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जो है होशंगाबाद में सेठानी घाट है होशंगाबाद के अंदर। देखिए होशंगाबाद से पहले जो हाँ जो चीज़ें छूट गई थी हमसे वो ये है, ये तवा बांध, यहाँ पर तवा नदी आकर मिलती है, तवा बांध कहते हैं इसे, तवा रिजर्व कहते हैं इसे, और तवा जलाशय भी कहा जाता है। जब तवा जलाशय यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये जो है ये है तवा डैम, ये सबसे बड़ा डैम मध्य प्रदेश का, तवा डैम ये यहीं पर है। इसका कुछ व्यू आपको दिखा देते हैं, कुछ फोटोज आपको दिखा देते हैं ताकि इसके आप अच्छे से समझ पाएं तवा डैम को। चलिए ये है तवा डैम के फोटोज। ये स्ट्रीट व्यू है तवा डैम का, फोटो आप देखेंगे तो ये इस तरफ से आपको दिखाई दे रहा है, तवा डैम के ऊपर ही आप खड़े होकर ऐसे देख सकते हैं, समझिए कि तवा डैम के ऊपर ही है आप, वहां से आप इसको देख रहे हैं। ये है तवा डैम, और अच्छे से आपको देखना हो या फिर ये सब फोटोज जो है तवा डैम के ही फोटोज हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ तवा डैम से, जहाँ पर तवा नदी जो है नर्मदा नदी में आके निकलती है। तवा नदी है जो उधर तवा तरफ से जो दूसरी तरफ से आ रही है, ये होशंगाबाद के अंदर है तवा नदी जो नर्मदा नदी में आकर यहाँ पर मिल जाती है। अब ये नर्मदा नदी है, एक नदी यहाँ पर भी इसमें आके मिलती है, छोटी सी नदी है ये है गंजाल नदी, यहाँ पर नर्मदा में आके होशंगाबाद के पास में आके मिलती है। उसके बाद इस तरफ से भी एक नदी आके मिल रही है, इसका नाम है जामनेर नदी, ये नेमावर है, नेमावर के पास से नदी होकर गुजरती है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नेमावर के पास से दो फेमस जगह आएंगी, खंडवा और खरगोन, वो जगह जरूर आपको देखने लायक होंगी। जहाँ से ये नदी की हम बात करें तो ये जो दातुनी नदी है, दातुनी नदी नाम याद रखिएगा नदी का, दातुनी नदी ये भी नर्मदा नदी में ही आकर मिलती है। अब ये वो जगह है जिसपे अभी आपने जो है काफ़ी विवाद सुना होगा, और काफ़ी चीज़ें चली, ओल्ड हरसूद, न्यू हरसूद और इंदिरा सागर बांध जिसे कहा जाता है, ये इंदिरा सागर बांध है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी वर्तमान में ये बांध बनाया गया है, और काफ़ी शानदार ये बांध बना है, खंडवा के अंदर ये बांध बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंदिरा सागर या पुनासा डैम, यहाँ पर ये डैम है, ये देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये डैम है पुनासा डैम जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके फोटोज मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से आप इसको देख पाए समझ पाए। चलिए ये है इस बांध का फोटो, सबसे अच्छे तरीके से समझने के लिए ये बना हुआ है यहाँ पर पुनासा डैम। पुनासा डैम से आगे की तरफ आप बढ़ेंगे नर्मदा नदी में ही, और थोड़ा आगे पहुंचने पे इसमें काफी छोटी छोटी नदियां हैं जो आकर मिल रही हैं। ओंकारेश्वर पहुंचेंगे आप, ओंकारेश्वर देखने लायक जगह है, ओंकारेश्वर काफ़ी सुंदर स्थान है ओंकारेश्वर। यहाँ पर हम ओंकारेश्वर का व्यू देख लेते हैं पहले। ये ओंकारेश्वर का बीच का व्यू है, जो ओम की आकृति का, जो आपने फोटोज वगैरह में देखा होगा ओम की आकृति का आपको व्यू दिखाई देता होगा, वो यही वही जगह है। और यहाँ पर ये जो है बांध बना हुआ है,
ये बांध बना हुआ है यहाँ पर, और बांध बनने के बाद यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ की काफ़ी फेमस जगह है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत के अंदर, उनमें से दूसरा ये ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको इसके, और यहाँ के फोटो दिखा देता हूँ, काफ़ी सुंदर फोटो है यहाँ के। ये देखिएगा, ये पूरा बना हुआ है। स्ट्रीट व्यू में हम देखेंगे तो और अच्छे से इसकी समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, ये बांध है सामने की तरफ, यहाँ कोई निर्माण कार्य चल रहा है, ये बीच में पुल है, और ये इधर नर्मदा नदी निकल जाती है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ओंकारेश्वर से आप आगे की तरफ जाएंगे, यहां पर चोरल नदी आकर मिलती है, इसमें चोरल नदी का संगम है। ये देखेंगे आप यहां पर, तो ये मालन नदी आकर इसमें मिलती है, यहां पर ये मालन नदी का संगम है। यहाँ पर भी एक नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है बेदा रिवर, बेदा नदी इसमें आकर मिलती है। बाकी छोटी छोटी नदियाँ तो बहुत सारी हैं जिनके नाम इसमें नहीं दिए गए हैं। ये महेश्वर फोर्ट है, और ये है सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात जिसका नाम आपने सुना होगा कई बार, उसके फोटोज़ में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है सहस्त्रधारा जलप्रपात, पानी इस तरह से बहता है इसमें कि बहुत अलग अलग जगह से हमें दिखाया आता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम जो है सहस्त्रधारा जलप्रपात है। ये आप देखिएगा फोटो, ये 360 डिग्री व्यू है इसका, सामने की तरफ से आप पानी आता है, और ये गर्मी के समय भी का है एक्चुअल में। ये है सही जहाँ से आपको अलग अलग जगह से दिखाई देगा सहस्त्रधारा जलप्रपात। चलिए सहस्त्रधारा जलप्रपात से आगे हम बढ़ते हैं, ये हम धार जिले के अंदर आ गए हैं, धर्मपुरी, और इसके अंदर आगे की तरफ आप बढ़ोगे तो एक नदी यहाँ आकर मिलती है, उस नदी का नाम है हथनी, यहाँ आप देख रहे हैं हथनी नदी आकर इसमें मिलती है। और अब यहाँ पर हथनी नदी के जस्ट आगे से यह बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर हो जाती है, हमारी बाउंड्री, और साथ में जो है बाउंड्री बनती है क्या अपने महाराष्ट्र की। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये महाराष्ट्र की बाउंड्री नर्मदा नदी के पास से बनती हुई है, बिल्कुल जस्ट बीच में से अब यहाँ से बाउंड्री बनाना स्टार्ट कर देती है नर्मदा नदी, और महाराष्ट्र के बीच की बाउंड्री बनती है। और थोड़ा सा आगे आप पहुंचेंगे तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से बाहर हो जाती है। ये जो जगह है, ये पॉइंट है जहां से नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से बाहर इस तरफ है, इस तरफ महाराष्ट्र है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ इस तरफ जाएंगे तो गुजरात है, ये पॉइंट, ये बीच में पॉइंट है, उसकी तरफ गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, और ये मध्य प्रदेश है। यहाँ पर और अच्छे से देख पाएंगे। चलिए अब यहाँ से वो बाउंड्री बनाती हुई गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री बनाती है, गुजरात महाराष्ट्र की बाउंड्री बनाती हुई, और नर्मदा नदी जो है इस तरफ आगे जाती है, और आगे जाकर वो मिल जाती है ये खंबात की खाड़ी में। ये खंबात की खाड़ी है, यहाँ आप देखेंगे ये अरब सागर, अरब सागर के पास ये है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। तो इस तरह से नर्मदा नदी जो है पूरा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और मिल जाती है खंबात की खाड़ी में, और खंबात की खाड़ी मिलने से पहले ये बनाती है एस्चुरी, डेल्टा नहीं बनाती। अब आप मैं समझाता हूँ आखिर आपको ये एस्चुरी क्या होती है, जब नर्मदा नदी क्या होता है, जब नदियाँ समुद्र में आकर मिल रही होती हैं तो दो तरीके से मिलती है, या तो वो सकड़ी हो जाती है पास में आकर, सकड़ी से मतलब हो जाती है एक ही जगह से सीधे मिल जाती है, या फिर उनके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में टूट जाती है। छोटी छोटी धाराओं में टूटने से होगा क्या कि वो अपने जो सांझ सामान जो लेके आई होती है, उनका जो मिट्टी कटाव लेके वगैरह आती है, तो बहुत बड़ी एरिया में फैला देती है, तो वो जो बनाती है उसे कहते हैं डेल्टा। और जब नदी सीधे सीधे समुद्र में जाके मिल जाती है बिना किसी उसके, और फैलती नहीं है, तो वो जो बनाती है उसे कहते हैं एस्चुरी। तो यहां आप देख रहे हैं नदी बहुत ज्यादा फैल नहीं रही है, जबकि अभी मैं आपको डेल्टा बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर डेल्टा क्या होता है। सुंदरबन में हम देखेंगे सुंदरबन के डेल्टा, तो ये है सुंदरबन। यहां पर देखिए नर्मदा नदी आई, गंगा नदी आई है, और बहुत छोटी 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 ट्रिब्यूटरीज में बढ़ गई है, बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में बढ़ गई है, और इसी के कारण ये जो क्षेत्र है बीच में जो अपने साथ वो जो मिट्टी वगैरह बहा के ला जाती है वो इन क्षेत्रों में जमा देती है, और इससे क्या जाते हैं, इसे कहते हैं डेल्टा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या होती। तो नर्मदा नदी की ये यात्रा थी हमारी, ये वीडियो होगा यहीं समाप्त। वीडियो को अगर मिलते हैं लाइक बहुत सारे तो यकीन मानिए मैं आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस बनाते रहूँगा। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।